नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप राज। नर्मदा नदी में हो रहा अवैध खनन, जेसीबी एवं पोकलैन मशीनों से नर्मदा नदी से रेत निकालने का ठेका लेने वाले अधिकारी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त। दोनों कंपनियां कर रही हैं नर्मदा नदी के सीना छननी। यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एवं पावर में कंपनी नर्मदापुरम एवं सीहोर जिले में मशीनों से अवैध खनन एवं फर्जी रॉयल्टी काटकर करोड़ों रुपए का खनिज विभाग को लगाया जा रहा है चूना। पावर मेक रेत कंपनी के गुंडों की गुंडागर्दी सीहोर बुधनी तहसील के बगवाड़ा जोशीपुर में देखने को मिली, जिसमें अवैध रेत परिवहन एवं खनन कर ग्रामीणों से दादागिरी करने वाले रेत माफियाओं के ग्रामीणों ने डंपर रोक। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बगवाड़ा घाट की रॉयल्टी दी जा रही है और डंपर गाड़ी रेत भर रही नर्मदापुर एवं किसी अवैध खदान से जोशीपुर बगवाड़ा के सैकड़ों लोगों ने गाड़ियों को रोका, लेकिन खनिज पुलिस राजस्व विभाग के कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। पावर मेक कंपनी के शर्मा मौके पर पहुंचे, लेकिन मीडिया से भागते नजर आए। बोल रहा है हमारे दोनों गांव के लोग बेरोजगार हैं और ये दो नंबर का काम हमारे यहाँ की रॉयल्टी करके होशंगाबाद से गाड़ियाँ लोड कर रहा है ये ठेकेदार। ये सरासर प्रशासन की चोरी कर रहा है। ऊपर से ये कह रहा है आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नीचे से लेके ऊपर तक हमारा पैसा जा रहा है। मीडिया को भी खरीद लिया इनने, सब कुछ बोल रहा है। मीडिया पूरे अधिकारियों को पैसे दे रहा है। ये कौन सी कंपनी है? ये पावर मेक कंपनी। पावर मेक कंपनी उनके अभी कुछ लोगों से आपने बात की तो क्या कुछ किया? वो भाग रहा है, बात ही नहीं कर रहे। रेगुलर चोरी कर रहा है होशंगाबाद से। पिछले तीन महीनों खदान चला रहा है। हाँ, और मनमानी थोप रहा है। और हम ये चाहते हैं मीडिया बंधुओं से भी ये न्यूज पूरे प्रदेश में पहुँचे। ये नहीं कि यहाँ भी अब जो कह रहा है गाड़ियाँ भरा रही और सीहोर जिले की रॉयल्टी दे रहे हैं, इसको लेकर ग्रामीणों में विरोध है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे आज ही आपके द्वारा जिस मामला संज्ञान में लाया गया है कि जोशीपुर बगवाड़ा से गाड़ी भरी जा रही है और नर्मदापुरम से गाड़ी भरी जा रही है और जोशीपुर बगवाड़ा की रॉयल्टी दी जा रही है, इस संबंध में मैं तत्काल अभी खनिज अधिकारी से चर्चा करूंगा और खनिज अधिकारी को कहूंगा कि इसकी जाँच करें और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई आगे हो सकती है वो कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।